आज इस गांव में होली मनाई जा रही है। इस साल एक अजीब सा वाक्य हो गया है कि मीन्स लोग कंफ्यूज हो गए कि किस दिन होली मनाना है, क्योंकि कई जगहों पर मतलब ज्यादातर जगहों पर 1 बजे के बाद होलिका जलाई गई है, तो उन लोगों का कहना है कि ये दूसरा दिन बदल जाता है, इसके लिए एक दिन बाद होली होनी चाहिए। मीन्स सारे लोग इधर के सारे गांव के लोग शनिवार को होली मनाने वाले हैं, लेकिन यहां पर इस गांव में आज ही मन रहा है, सिर्फ इसी गांव में। इसके चारों तरफ जितने भी गाँव है वो सारे के सारे कल होली मनाने वाले हैं, लेकिन आज इस गांव में होली मन रहा है, क्योंकि उन्होंने 9-10 बजे तक होलिका जला दिया था। तो आज होली का माहौल है और काफी इधर धूम मची हुई है, और धूम चलिए दिखाते हैं फिर किस तरह की धूम मची है इस गांव में होली की। आइए चलिए चलिए क्या आप लोग का होली हो गया क्या? अभी शांत बैठे आप लोग? नहीं हूँ, अब सारा होली बाकी है। सारा होली दोपहर हो गई, अभी तो कुछ धूमधाम नहीं दिख रहा है इधर, क्या बात? धूमधाम दिख रहा है, अभी लड़का लोग गया है डीके लाने के लिए। अच्छा डीके लाने के लिए? डीजे। अच्छा डीजे। अच्छा तो इधर सुनने में आ रहा है कि इधर सुनने में आ रहा है कि इधर के आजू बाजू के सारे गाँव में कहीं होली नहीं मनाई जा रही है आज के दिन। मन रहा है, कहीं कहीं मन रहा है ना, मैं नहीं कहता। तो सब लोग होली मना रहे हैं कल यानी सैटरडे को, तो आज इस गांव में क्यों मनाया जा रहा है? आज तो मन रहा है तो कल भी मनेगा ना हम लोग का। अच्छा कल भी मनेगा? हाँ मतलब 3 दिन मनाया जाता है। मस्त माहौल लोग हैं आप लोग, दो दो दिन होली मनाएंगे? 2 दिन 3 दिन मनाया जाता है। हाँ पूरा धूम मची है। ये आप लोग के कपड़े क्यों फटे हुए? फटे है, पूरा होली है ना, फटा है, होली का मौसम है ना। होली में कपड़े फाड़ने पड़ते हैं। हाँ। होली पूरा कुर्ता नहीं फटेंगे तो कैसे होली मनता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप होली के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? होली क्यों मनाते हैं हम? होली मनाते खुशी, खुशी क्या मतलब, क्या कारण है होली होली मनाने का? होली मनाने का क्या कारण है? बतला बताइए बता रहे हो। हाँ। बताइए बताइए। ये इस गांव के सबसे शिक्षित आदमी है। हाँ। मीन्स हाई एजुकेटेड है। हाँ। देखिए हाई एजुकेटेड है, बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। हाँ। बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलते हैं ये। तो देखिए इंग्लिश में बोल के आपको सुनाएंगे कैसे बोलते हैं। देखिए बोलिए सर, इंग्लिश में जरा बात कीजिए। ओके, हाउ डू पीपल, व्हाई डू पीपल सेलिब्रेट द होली? टेल मी द रीजन। देयर इज अ मिथोलॉजिकल स्टोरी बिहाइंड दिस। व्हाट इज दैट मिथोलॉजिकल स्टोरी, वुड यू प्लीज टेल अस? क्या आप हमें बताएंगे? बोलिए कि ये होलिका क्यों जलाया जाता है, फिर हम आज रंग क्यों खेलते हैं? जलाए जाते हैं। हाँ अब हम थोड़ी बतलाएंगे। कौन बताएगा? अब बताएंगे पूरा वर्कर जनता जितना है। तो अच्छा आप बताने के लिए वर्कर रखे हैं आप? हाँ वर्कर। आपके वर्कर कहाँ है? अच्छा ये पहले वर्कर है। ये कार जा रही है ना, तो उस कार के पीछे दौड़े थे, बहुत ही तेज दौड़ाक भी है ये, बहुत अच्छा दौड़ते हैं ये अपना मिल्खा सिंह है ना, मिल्खा सिंह उनसे भी तेज भागते हैं, उनका दावा है। तो चलिए इनको भगा के देखते हैं कितने तेज भागते हैं। चलिए भागिए भागिए भागिए, देखिए भाग रहे हैं, भागो भागो। ये आप देख सकते हैं इन्होंने भागना भी शुरू कर दिया, मतलब इनको सचमुच में लग रहा है कि मिल्खा सिंह से ज्यादा तेज दौड़ सकते हैं, मतलब विश्वास की बात है। वाह वाह क्या क्या दौड़ा आप, बहुत अच्छी बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, वाह सचमुच आप मिल्खा सिंह से भी तेज भागते हैं। खुश रहा श्री गुरु तहरा का साल भर के दिन में वंश देश के हमने के खुशी हो खो की चर्चा कराएं या खूब विधि से। होली के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? होली के बारे में, होली के बारे में खूब गावा जा, नाचा जा, खूब मस्ती करा जा, महेश्वर गुरु के दया। तो रंग लगा के बना, रंग भाग जाए हाई देवर के खुशी हो तो पैर पर गिरा। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है। ये बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं इधर होली बाजा बाजा बांधने वाले, इधर डीजे वीजे लगाने वाले हैं, फिर उसके बाद धूम मचेगी, डांस वांस होगा, मस्ती वस्ती होगी। ओके चलिए आप हमारे साथ रही बने रहिए।
अब देख सकते हैं कि दूसरे के गांव के लोगों में होली नहीं हो रही है, एकदम सही सही जा रहे हैं लोग, बाइक पे बाजार करने जा रहे हैं, सब कुछ करने जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये दूसरे गांव के लोग हैं और इनके गांव में अभी आज के दिन होली नहीं हो रही है। इस बार अजीब वाक्य लग रहा है आपको, एक इंटरेस्टिंग हो गया ये साल। और इस गांव में, ये गांव है जहां पर दो दिन होली मनाई जाएगी, आज भी मनाई जा रही है और कल भी मनाई जाएगी। अभी यहाँ पर ये इस गांव में मैंने अभी तक रंग डाल दिया मुझ पर। इस गांव में देखो रंग डाला जा रहा है, मेरे ऊपर रंग डाला जा रहा है। और इस गांव में अब तक लड़कियां नजर नहीं आई, ये नजर आ रही है खेलती हुई। ये एक्चुअली में शहर की है इसलिए खेल रही है, गांव की लड़कियां नहीं खेलती है इधर ऐसी तरह से। लेकिन खेलना चाहिए होली, सबको खेलना चाहिए, सबको मिलजुल कर खेलना चाहिए। तो मैं इन लोग से कुछ पूछता हूँ। हाँ बताइए आप लोग को। ये अभी दोपहर की बाद वाली अभी होली है, दोपहर तक धूल मिट्टी है, पानी ये सब हुआ, डांस वांस हुआ, अभी दोपहर की बाद की होली है, शुरू हो गई है। अभी देख सकते हैं सब लोग एक दूसरे को गुलाल लेकर लगा रहे हैं, और गुलाल और रंग बस चलता है अभी दोपहर के बाद। और सब नए नए कपड़े पहनते हैं, व्हाइट व्हाइट कपड़े ज्यादातर पहने जाते हैं। देख लीजिए सब सारी मंडली है, अभी और भी बहुत सारे लोग आएंगे रंग लगाने और लगवाने के लिए। अपने जवानी में ये बहुत ही हुड़दंग मचाया करते थे और अभी भी हुड़दंग मचाते हैं, अभी भी जोश कम नहीं हुआ है। तो मतलब अभी भी हाँ, कुछ कहना चाहेंगे आप आज के बाद? अभी भी मेरा जोश या होश वही है। हाँ। जो चाहे आपका खुशहाली के लिए मैं कर सकता हूँ। बहुत ही खुश मिजाज आदमी है, शख्स है। ये सब देखिए, ये फौजी लोग हैं, हम लोग फौजी आदमी है, आर्मी है। कभी कभी मौका मिलता है होली मनाने का, सिर्फ सैलरी लेने के लिए फौजी है। हम लोग मनाते हैं और चाचा से बहुत प्यार है हम लोग का। तो सिर्फ सैलरी लेने के लिए फौजी है? नहीं नहीं, लड़ाई होगा तो वापस भाग जाएंगे। कुछ नहीं है, हम लोग मनोरंजन देहाती और मजा आ रहा है होली खेलने में? होली खेलने में मजा आ रहा है एकदम, बिल्कुल मजा आ रहा है भैया। तो इंतजाम वगैरह हुआ? अच्छा क्या चीज है, हमको तो सोच रहे हैं कि मतलब सालों भर ऐसे ही जिवा ले हम। बिल्कुल बिल्कुल, अरे होली बस मन रहा है ना, अभी मन रहा है तो उसमें बिघ्न नहीं डालना चाहिए। हमसे ज्यादा कोई खाना चालू कर दे तो उसको टोकना नहीं चाहिए कि ये कोई खाने का टाइम है। होली मन जाएगा। जब दिल में खुशियां है, आनंद है, प्यार है तो रोज होली है। सबसे ज्यादा हम होली खेले। हाँ, रोज होली है। अभी आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा था कि दोपहर के बाद शाम ढल गया है और सारे के सारे लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर, जो बड़े हैं तो उनका पैर छूते हैं और छोटे हैं तो उनके सर पे या माथे पे गुलाल लगाते हैं। और सब हम लेना काम है आपको। हाँ, ये सारे हमारे लंगोटिया यार हैं, सारे के सारे। लंगोटिया यार का मतलब आप समझते हैं ना, मेरे को लंगोट पहनने नहीं आता था तो इन्होंने सिखाया था मुझे लंगोट पहनना, इसको बोलते हैं लंगोटिया यार। तो अभी और भी मजा आएगा, जुलूस निकलने वाला है, वो आप गाड़ी देख सकते हो, ट्रैक्टर उसमें डीजे लोड हो गया है और थोड़ी देर के बाद बजना शुरू होगा और हमारा हाथ पांव चलना शुरू होगा। तो ये है लाल बिहारी जी, मैं इनको देख के गया था तो ये लाल ही थे और अभी तक ये लाल ही है, इनका रंग चेंज नहीं हुआ है अभी तक। हाँ ये देख सकते हैं आप, ये सारे के सारे लोग जुटे हुए हैं एक साथ, हम फोटो खिंचवा रहे थे अभी और सारे मिलकर अभी हम जुलूस में जाएंगे। सिर्फ इतने ही लोग नहीं, अभी जुलूस में जाने वाले हम, तो चलते हैं फिर आगे बढ़ेंगे।